हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलर्नम। स्वागत है आपका इलर्नम के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विशाल सिंह। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोग जॉब अपडेट्स की सीरीज लॉन्च की है आपके लिए। तो आज एक नई जॉब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे आपको पता ही होगा कि इलर्नम आपके लिए लेके आया है गेट का स्मार्ट कोर्स, जिसका सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 20% कि लास्ट डेट है दिवाली यानी 4 नवंबर। तो उससे पहले सब्सक्राइब करिए, मौके का फायदा उठाइए, यानी मौके पे चौका मारिए। तो आगे बढ़ते हुए आज एक नई जॉब के बारे में बात करेंगे। यह जॉब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, DRDE। ये एक DRDO की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्वालियर में सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसमें दो पोजीशन है, एक JRF की और एक रिसर्च एसोसिएट की, और वॉक इन इंटरव्यू का मतलब है कि कहीं आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, आपको डायरेक्ट उनके दिए गए सेंटर पे जाके इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एक DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिसमें दो पोजिशन के लिए जॉब है, जूनियर रिसर्च फेलो एंड रिसर्च एसोसिएट। वॉक इन इंटरव्यू है, मतलब आपको वहां पे जाना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करने की कोई नीड नहीं होगी, आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं DRDO यानी DRDO जूनियर रिसर्च फेलो। इसका पोस्ट कोड है 1। ये पोस्ट कोड आपको नोट करना होगा कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो पोस्ट कोड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फेलोशिप का नाम है DRDO जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसके अंदर 5 फेलोशिप्स अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में आपके पास होना चाहिए MSc लाइफ साइंस, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोलर बायोलॉजी, मतलब लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट। साथ ही साथ आपके पास कोई नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी CSR या GATE क्वालिफाइड होना चाहिए। CSR JRF की कोई मतलब JRF नीड नहीं है, सिर्फ आपका JRF क्वालिफाइड हो या LS क्वालिफाइड हो, दोनों चलेगा। साथ ही साथ या फिर आपका GATE क्वालिफाइड हो, ठीक है। इसकी एज लिमिट 20 ईयर्स है और डेट ऑफ इंटरव्यू आप नोट कर लीजिए 9 दिसंबर 2021, ठीक है, मतलब अब से करीब 1 मंथ बाद। बाकी पोस्ट कोड 2 और 3 की कोई नीड नहीं, क्योंकि एक पोस्ट कोड 2 केमिस्ट्री वालों के लिए और बाकी ये नीचे वाला टेक्सटाइल वालों के लिए। अब बात करते हैं JRF विद ओन फेलोशिप। ऊपर वाला था जिसके पास फेलोशिप नहीं है, मतलब कि जो सिर्फ LS और GATE क्वालिफाइड है उनके लिए पोस्ट 1 है। नेक्स्ट बात करते हैं विथ ओन फेलोशिप, मतलब जिनके पास खुद की फेलोशिप हो, मतलब खुद का कोई JRF क्वालिफाइड। इसका पोस्ट कोड 4 है। इसमें भी क्या चाहिए, MSc मतलब लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी MSc, और साथ ही साथ आपके पास कोई JRF फेलोशिप होनी चाहिए, ठीक है। इसकी एज लिमिट 28 ईयर्स है और डेट ऑफ इंटरव्यू 9 दिसंबर, सेम, ठीक है। और नेक्स्ट पोस्ट कोड है 6। PhD वालों के लिए, मतलब जिन्होंने लाइफ साइंस में PhD की हो उनके लिए है, और इस पोस्ट का नाम है रिसर्च एसोसिएट, और इसकी एज लिमिट 35 ईयर्स है और डेट ऑफ इंटरव्यू इनकी 12 दिसंबर है। जो JRF के इंटरव्यू हैं वो 9 दिसंबर को होंगे और जो PhD मतलब रिसर्च एसोसिएट का इंटरव्यू होगा वो 10 दिसंबर को होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहला इन्होंने बोला स्टाइपेंड कितनी आपको मिलेगी। स्टाइपेंड होगी JRF की 31,000, साथ ही साथ मिलेगा आपको HR और मेडिकल फैसिलिटीज जो DRDO के रूल्स एंड रेगुलेशंस। और जो रिसर्च एसोसिएट होंगे उनको मिलेगा 54,000 प्लस HR और मेडिकल फैसिलिटीज। कट ऑफ डेट, मतलब कि उनकी जो एज ऑफ क्वालिफिकेशन कैसे डिटरमाइन की जाएगी, डेट ऑफ इंटरव्यू को ही आपकी जो एज ऑफ कट ऑफ डिटरमाइन किया जाएगा। जो 28 ईयर्स तो जनरल वालों के लिए है, और जो SC ST उनके लिए 5 ईयर्स के रिलैक्सेशन होगा और OBC वालों के लिए 3 ईयर्स के इलेक्शन हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात तो ऊपर ही कर ली कि आपके पास MSc होना चाहिए किसी भी लाइफ साइंस सब्जेक्ट में, साथ ही साथ CSR, NET, LS या फिर GATE, DVT, SM, ICMR कोई भी, मतलब कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए।
जेआरएफ नहीं है तो कोई नीड नहीं, आपके पास एटलीस्ट गेट या एलएस होना चाहिए, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस, मतलब जेआरएफ का मैक्सिमम 10 ईयर 5 ईयर्स का होगा। इसमें ये नौ सबको पता ही होगा, पहले 2 साल आपके जेआरएफ होके होंगे, उसके बाद 2 साल के बाद आप अपग्रेडेशन होगा, उसके एसआरएफ मिलेगा आपको, ठीक है। और जो मतलब जेआरएफ टोटल 5 ईयर्स का होगा, फर्स्ट 2 ईयर्स आप जेआरएफ रहेंगे, उसके बाद 3 ईयर्स आपके एसआरएफ बन जाएंगे, ठीक है। और आरए आरए का 10 ईयर होगा मैक्सिमम 2 साल के लिए। रिपोर्टिंग टाइम इसकी 9:30 बजे होगी, और इन्होंने एड्रेस दे रखा है, मेन गेट रिसेप्शन DRED 86 रोड ग्वालियर, ग्वालियर में ये सिचुएटेड है। लेट कमर्स अलाउड नहीं होंगे, वो तो बात की बात है। उसके बाद बोला उन्होंने कि सबसे पहले आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा 11 से 12 बजे, अगर जितने कैंडिडेट्स अपियर हुए, मतलब ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो रिटर्न टेस्ट होगा, और अगर कैंडिडेट्स कम हुए तो रिटर्न टेस्ट नहीं होगा। और उसी दिन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, मतलब जो रिटर्न में क्वालिफाइड हो गए, उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट बोला कि अगर नंबर स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो इंटरव्यू नेक्स्ट डे भी शेड्यूल होना चाहिए, तो आपको उसी दिन प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, आप एप्लीकेशन फॉर्म इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एप्लीकेशन फॉर्म का इस डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा एप्लीकेशन फॉर्म का, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहां पे हम एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे आपको। मतलब जिन कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेट करना है, उनको एप्लीकेशन फॉर्म भर के इस ईमेल पे मेल करना होगा, दोनों ईमेल पे, ठीक है। दो फॉर्म है, एक वर्ड फाइल है, एक्सेल फाइल, दोनों फाइल को आपको फिल करना होगा, इस मेल पे फॉरवर्ड करना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं कि जब आप इंटरव्यू के आएंगे तो आपके पास आपका कंप्लीट बायोडाटा होना चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज होनी, फोटोग्राफ होनी चाहिए, और सारी जो डिग्रीज होंगी, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होंगे, उनकी फोटोकॉपी के साथ साथ ओरिजिनल कॉपी भी होनी चाहिए, जो ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ सेल्फ रजिस्टर्ड कॉपी भी होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जेआरएफ के लिए, उनको चांस दिया जाएगा कि आप किसी भी इंडिया की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में पीएचडी के लिए अप्लाई रजिस्टर कर सके। आप पीएचडी के लिए वहां आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देंगे, लेकिन आप काम DRDO में कंटिन्यू करेंगे। मतलब एक आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आप, अगर आपका जेआरएफ नहीं हुआ है, गेट और एलएस हुआ है, तो आप यहाँ पे क्वालिफाई करके पीएचडी पा सकते हैं, ठीक है। वाकई फायदा उठाइए। जैसे अब मैंने आपको बताया था कि आपको पोजीशन पोस्ट कोड ऊपर नोट करके रखनी होगी, ठीक है, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको दिखाना पड़ेगा। और नेक्स्ट, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं, मतलब कहीं आप जॉब कर रहे हैं किसी पीएससी ऑटोनोमस बॉडी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आप सबको एक एनओसी देनी पड़ेगी कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इस इंटरव्यू में अपेयर हो सके, ठीक है। और जो डायरेक्टर होंगे DRDE के, उनका डिसीजन फाइनल होगा। उसके बाद उन्होंने लोकेशन बताया है कि ग्वालियर स्टेशन से 1 किलोमीटर है। और नेक्स्ट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मतलब पेन ड्राइव, फोन, लैपटॉप अंदर अलाउड नहीं होगा, आपको बाहर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे और कोई TA DA नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक फिर से समरी देता हूँ। ये जॉब है DRDE, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट स्टेबलेंस DRDO के अंतर्गत। इसमें JRF में टोटल 5 फेलोशिप्स अवेलेबल हैं। इसके लिए आपके पास MSc होना चाहिए, साथ ही साथ कोई भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए, एज लिमिट 20 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और आप जब JRF के लिए सेलेक्ट होंगे, तो आपके पास एक चांस होगा कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में PhD के लिए रजिस्टर हो सके, ठीक है, और DRDO आपको स्पॉन्सर करेगी, ठीक है। थैंक यू इस सेशन के लिए। और फिर से बता दे रहा हूँ, गेट के सब्सक्रिप्शन में जो 20% ऑफ मिल रहा है, EL20 कोड है, उसकी लास्ट डेट 4 नवंबर रात 12 बजे तक है, तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और फायदा उठाइए। थैंक यू, बाय बाय। एक कदम मंजिल की तरफ बढ़ा तो सही, मंजिल खुद तुझे आवाज दे। जब लगने लगे तकदीर साथ नहीं दे रहा, तो समझ लेना मेहनत ही साथ दे। अगर आपका भी सपना है IIT, तो जुड़िए e-learning के स्मार्ट कोर्स के साथ, जो कि लॉन्च हो रहा है 1 नवंबर से। डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड यूज द कोड EL20 टू गेट द 20% डिस्काउंट। सब्सक्राइब नाउ।